सो मैं हाँ संदीप चौधरी, तो तुम देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब। आपां राजपुरा के फोकल पॉइंट एरिए दे विच खड़े हैं। तुम देख सकते हो कि कितना बुरा हाल है। अज फोकल पॉइंट जिहड़ी एसोसीएशन, इन्हां दी इंडस्ट्री एसोसीएशन बनी है, उन्हां वल्लों एक मीटिंग रखी गई सी इस चीज़ नूं लैके। तुम देखते हो कितना बुरा हाल है। मैं कैमरामैन नूं कहांगा दिखाणगे भी राजपुरा फोकल पॉइंट का हाल। तुसी तस्वीरां दे विच देख पा रहे हो, ये हाल देखो भी कितना माड़ा हैगा। रोड ते जड़ा है चलना भी इस टाइम बहुत मुश्किल होया वै, ते असी गलबात करन दी कोशिश करांगे। तो तुसी देख पा रहे हो कि कितना बुरा हाल है। आपां गलबात करन दी कोशिश करांगे। प्रधान जी साडे नाल इस टाइम मौजूद है, कि गलबात अज इन्हां वल्लों मीटिंग रखी गई सी जिहड़ी। सर की कहना चाहोगे आज मीटिंग जारी? ये देखो, आज ये मीटिंग हमने जागृत करने के लिए रखी है कि लोगों को पता लगे कि हम किस पोजीशन में रह रहे हैं यहाँ पे। अब ये तो भरत कराने के बाद की पोजीशन नहीं है, ये भरत हो गई है उसके बाद है ना। इसके बाद 1.5 फुट खड्डा था यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। ये आया हालत यहाँ पे, यहाँ पे जिधर भी कोई ट्रैफिक जाता है यहाँ पे। देखो आज जड़ी मीटिंग रखी गई थी, वो किस संबंध में रखी गई थी सर? इसी संबंध में हमने आपस में बात करके हम लोग यही वो बात कर रहे थे कि सर कुछ अगर हो सकता है ठीक से होते, फिर अपने पैसे लगा के हम लोग करेंगे इसको। अच्छा अच्छा, क्या करेंगे? डिपार्टमेंट से त्रस्त होके हमने जितनी भी एप्लीकेशन देनी थी हर डिपार्टमेंट में दी, MLA साहब को दी, EO साहब को दी, जो जो जहां कहता गया सबको दी, पर गमाडा को दी, पर किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। आज आप एक साल हो गया, जब भी यहाँ बारिश होती है ना चौधरी साहब, यहाँ पीछे 2 बार एक्सीडेंट हुए, 2 बच्चे यहाँ पीछे कॉलेज में पढ़ते थे, 2 बच्चे यहाँ गिर गई, उनके हाथ पैर टूटने से बचे। जन हम लोग इतने त्रस्त हैं ना, हमारे पास शब्द खत्म हो गया। कौन सा ऐसा दरवाजा जहाँ हमने गुहार नहीं लगाई भी आप हमारी समस्या, ना हमारे पास में स्ट्रीट लाइट है, ना हमारे पास में सड़क है, ना पीने के लिए पानी है, ना कोई लाइट है। उसके बाद में अब आप ये बताओ हम किसके पास जाएं? लास्ट में परेशान होके, दुखी होके, हर जगह अपनी अर्जी लगा के, जब कोई नहीं सुनवाई हुई, तब हमने यहाँ एसोसिएशन की मीटिंग की और तब आपको बुलाया और इस स्थिति के बारे में जानू करवाया आपको। तुसी राजपुरा MLA मैडम नू इस बारे अवगत कराया? बिल्कुल है जी, MLA साहब को बहुत बार हमने रिक्वेस्ट की है, बहुत बार मित्तल साहब से मिले, मैडम को मिले, हमने उनसे गुहार की लगाई भी, आप ये देखो भी हमारे साथ में आज क्या स्थिति है। 1.5 साल से जब से सरकार बनी है, हमारे फोकल पॉइंट में एक भी सरकार की तरफ से कोई ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जिससे हम कहीं भी संतुष्ट हों, भी हमारा काम चले। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है जी। प्रधान जी की मांग करते हो तुम? सब मांग तो ये करते हैं कि किसी इसको कुछ सुनवाई हो और जल्द से जल्द ये रोड ठीक हो, कम से कम आने जाने। देखो हालत ये, 2 मिनट ट्रैफिक जाम हो जाता है यहाँ पे। इतना बुरा हाल है चौधरी साहब भी, शाम को 7 बजे के बाद में यहाँ पे स्केचिंग का, किसी का मोबाइल, किसी की चेन है, ये आम सी बातें हो गई हैं। ठीक है जी, कई बार हमने प्रशासन को इसके बारे में नॉलेज दी भी आप इसके बारे में देखो, पर कोई सुनवाई नहीं। सो तुसी देख पा रहे हो हाल, देखो तुसी कितना बुरा हाल है। ये फोकल पॉइंट का तुहानू दिखा रहे हैं, कोशिश करांगे नजायज़ कब्जे की भी तुहानू दिखावांगे कि राजपुरा फोकल पॉइंट के कितनी बुरी तरह के नाल नजायज़ कब्जे जिहड़े किए गए हैं। ये सारी जो दसी जा रही है कंडीशन जिहड़ी है नजायज़ कब्जे के दे करके जिहड़ी है होई है। सर तुसी की कहना चाहते हो, काफ़ी टाइम तो जिहड़ी है इंडस्ट्री जिहड़ी सफ़र कर रही है ये जिहड़ी प्रॉब्लम है? भाई साहब इस तो घटो 5-6 साल हो गए जी, इतने कोई सुनवाई नहीं है किसी वालों भी। तो ये तो असी मिट्टी भी हूँ आप माड़ी मोटी इतने पवाई है, नहीं तो इतने 2-3 फुट गड्ढे सके जी। ठीक है ना, जो इतने माड़ी जी बरसात हो जाए इतों कोई बंदा लंघ नहीं सकता है। ठीक है ना जी, तो असी साड़ी तो प्रशासन को यही मांग है, जब जिहड़े भी कंसर्न जिहड़े भी महकमे लगते हैं भी इतने आके साडा यह मसला हल कर, जो जो भी दिक्कत है इतने दूर कर। ठीक है जी। सो सर तुसी देख पा रहे हो कि काफ़ी माड़ी कंडीशन दे विच आप इस टाइम मौजूद है। जे थोड़ी देर आप होर खड़े रहे तो शायद अपने कपड़े भी शायद आप पहचान ना सकी। तो सर जिहड़े नजायज़ कब्जे उरे किए हुए हैं, ये भी इंडस्ट्री के बंदे हैं तुहाडे, इन्हां नाल कभी कोई गलबात करने की कोशिश की हो भी तुसी अपने नजायज़ कब्जे हटाओ ताकि ट्रकों की तो प्रॉब्लम घट तो घट खत्म हो? हाँ जी हाँ जी, अभी इस मीटिंग के जिस तरह अपने हिंदुस्तान लीवर है, सूज वाले हैं, उन्होंने इन्होंने सारे आप मिल के उन्होंने बाय रिक्वेस्ट पाई है एज ए फोकल पॉइंट इंडस्ट्रियलिस्ट भी जिहड़े हैगे आ भी अपनी जिहड़ी इनक्रोचमेंट की है, तो जिहड़े इन्हां ट्रक्स वगैरह जिहड़े रोड ते लगे रहिंदे आ भी जिहड़ी अपनी इनक्रोचमेंट की है ग्रीन बैल्ट के
मद्देनज़र भी उसनों घटा के अपने ट्रक्स हैं जो कि ऑन रोड से 120 ट्रक खड़े रहते हैं वो अपनी जी ग्रीन बैल्ट घटा के उत्थे पार्किंग की जाए या अंदर इंतजाम किया जाए ताकि आन जान के जो राहगीर हैं उसनों जी 100 फुट की सड़क है वो घट के तकरीबन 20 फुट या 25 फुट रह गई है वो बॉर्डर होवे जो कि सरकार के नक्शे में बोलती है। ठीक है, सो तुम देख पा रहे हो कि बड़ी मंग है इन लोगों की, तो बुरा हाल तुम देख सकते हो कि इंडस्ट्री के जोड़े उरे सारे पदाधिकारी है अहदेदार है उन्होंने वालों जरा लगातार ये मंग की जा रही है कि इन्हों का जोड़ा है सुधार होना चाहिए। तो तुम देख पा रहे हो कि मेरे पिछले इस टाइम ट्रैफिक आ रहा है कि बुरी तरह नाल जी है सड़क खराब हुई हुई है, जो बारिश हो जाती है तो उ बहुत बुरा हाल हो जाता। हम देखना यह होगा कि इस खबर तो बाद सरकार जी है वो इस वल किस तरह ध्यान देती है। कैमरामैन मोहित के नाल संदीप चौधरी, न्यूज़ 89 पंजाब। न्यूज़ 89 पंजाब, हर खबर जिसका होवे असर।